दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। अरे ओ पगला, मैंने थोमड़े बना दिए, इनमें पानी लगा दीजो, अब मैं चल रहा हूँ घर को। पापा ने बोला था तुम्हें पानी दे दूं, इसलिए पानी दे रहा हूं, जब भी प्यास लगे पी लेना, सही है? तुम भी ले लो, तुम्हें भी देता हूँ। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, हम पागल नहीं है भैया। बिलगार ना खेत खा गया सारा यार, घिया ना खा गया सबन ने। ओ ओ पगला सुन, खेल कूद कर निमट लिए हो तो इन ढोर ने पौनी दिखा दे, इन भैंसन ने पौनी दिखा दे, सवेरे से प्यासी खड़ी है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, हम पागल नहीं है भैया। भैया प्रकाश देखियो, पौनी प्यार हो या यू खेल कर रहा हो, देखियो। भैया ने भी जिंदगी खराब कर रखी है, आज आइए पानी पिला दूंगा मैं। अरे पागल, तू पानी दिखा रहा हो या इन्हें पिला रहा हो? पापा दिखाने को ही तो कही, दिखाने को कही। पहले गुना तो बता मेरा, फिर चाहे कोई सजा दे, कुछ हाल था दिल का बुरा। भाग जा, सिकल मत दिखा दीजिए वो अपनी, कहीं नहर बम्बे में डूब के मर जा नौलायक। पागल तेने मेरा खून पी रखो, कौन को ना धंधे को मेरा गम ही आखे मेरे काम आया। अरे भैया प्रकाश, तो पागल तो है ही है, जब कम दिमाग है ऐसे कहा कही जा, कहा सुनी जा, जैसे है तो है ही है। अरे भैया जा दिन से की माँ गई है ना, यानी मेरा जीना मुश्किल कर रखो है, अब तुमने देख भी लिया होएगा जैसा पौनी दिखा रहे हो, कल हो काम कर रहे बाड़े में। ओ पगला, बस तू रहने दे, तेने कर लिया जा घर से जाके मेरी मोटरसाइकिल लिया, वो खेत में को खात ले आना। टूटे सपने बिखरे अरमां, लिया है मोटरसाइकिल? कहाँ है, कहाँ, हमें तो दिख रही। आओ मैं दिखाता हूँ। मोटर साइकिल, मोटर साइकिल। लोग कहते हैं पागल हूँ मैं, ये भी न जानू, दिल लुटाया है मैंने, अब किसी के न मानू। अबे ये साला कौन मरने को खड़ा है बे? अबे इधर आ, इधर आ, अबे ओए इधर आ, इधर आ, अबे इधर आ, तेरे को ही बुला रहा हूँ, इधर आ। तू तो साला अपुन की तरह दिखता है रे, बिल्कुल किधर से आए तू? हाँ भैया, हमको भी लगता है हमने कहीं तुम्हें देखा है। हाँ देखा है, याद आया भैया, हम जब परसों स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे ना भैया, तब तुम्हें देखा था हमने, तुम शीशे में हमारे सामने खड़े थे भैया। काय को खड़ा इधर, मरने का है क्या तेरे को?
मेरे पापा ने भैया मुझे घर से निकाल दिया और मुझसे बोला जाके कहीं नदी में डूब के मर जा। तो भैया मैं यहाँ से रेल में बैठ के जाऊंगा, किसी नदी में डूब के मरूंगा। तो तेरे को मरने का है, लेकिन तेरे को कोई भी ट्रेन वाला इधर से नहीं बिठाएगा। तेरे को ट्रेन में बैठने का है ना, तू मेरे साथ चल, अपुन तेरे को फर्स्ट क्लास ट्रेन में बिठाएगा, ठीक है ना? आजा। तो तेरे को तेरे पापा ने मरने को बोला और तू साला मरने को चला। अरे किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी फैमिली होती है, बाप का हाथ सर पे होता है। अपन का तो साला कुछ पता ही नहीं है रे, पापा है नहीं है, फैमिली क्या होती है, अपन कुछ नहीं जानता बे। कभी साला किसी ने अपन को प्यार से बेटा तक नहीं बोला। अपन को भी मानता यार, फैमिली होने को अपन को भी मांगता है। अपन साला उधर मुंबई की सड़कों पे पला बढ़ा। अपन को जब भूख लगती थी ना, मंदिरों में गुरुद्वारों में जाकर अपनी भूख मिटाई। जब होश संभाला, इन हाथों से ना अपन ने बहुत लोगों को पीटा, छीना झपटी की, लूट की, बहुत क्राइम किया अपन। अपन आज भी जब उदरिच होता है ना, मुंबई में होता है ना, तो लोग हरी भाई बोल के सलूट मारते हैं अपन को। पुलिस को भी अपन उधर अपना दुश्मन बनाया, तो आया भाग के इधर ग्रेटर नोएडा। अपन को भी फैमिली मांगता है रे, तू तो मरना चाहता है ना, तेरे को तो मरने का है ना। एक सप्ताह 7 दिन सिर्फ मेरे वास्ते जी ले रे, सिर्फ 7 दिन मेरे वास्ते जी ले, 7 दिन तू मेरी जगह मैं तेरी जगह, फिर तू शौक से मर लेना रे। 7 दिन के लिए मुझे तेरी जिंदगी जीने का है। तू रहे यहां इस घर में अकेला, मौत से मस्त रहने का, सब सुविधा तेरे को इधर ही मिलेगा, लेकिन अपन को 7 दिन के लिए तेरी फैमिली में उनका बेटा बन के जाने का है रे। बताया तूने, मानी है तेरे को, चल कोई नहीं, पापा तो है ना, अपन भी देखने का है, पापा फैमिली ये सब। मेरी जगह आप जाओगे भैया? बहुत खतरनाक है मेरा पापा, पर ठीक है, तुम कहते हो तो ठीक है, मैं 7 दिन यहां रहूंगा, इतने बड़े घर में मैं अकेला रहूंगा, मैं रह लूंगा भैया, मैं तैयार हूं, आप जाओ घर। पक्का? चल ठीक है, अब तू देखना अपुन तेरी फैमिली में जाएगा, सब कुछ ठीक करके आएगा अपुन। तू मौत से इधर रहने का, दिक्कत नहीं लेने का कुछ भी, बस इस घर से बाहर नहीं जाने का, ठीक है ना? अंदर ही अंदर रहने का, सब फैसिलिटी अंदर है, बाहर कभी नहीं जाने का, ओके? मैं तेरे को ये 2 मोबाइल तेरे को अपुन देगा, एक मोबाइल इससे तेरे को मेरे से बात करने का है, ये मोबाइल तेरे को हमेशा बंद रखने का है, ये कभी खोलने का नहीं, ठीक है? ध्यान से सुन लेना, ये कभी खोलने का नहीं, इस घर से कभी बाहर जाने का नहीं, ठीक है? ये अपने पास रख, अपुन तेरे से बात करता रहेगा, ठीक है? ले ले। भैया पीट के मैंने भगाता दिया गुस्से में, पर मेरी सेवा बहुत करे हो, और वहां में बुद्धि कम है, अब पता ना आएगा भी ना आएगा, जिंदा है ना है। मैं भगवान ही जाने भैया, आखिर जैसा भी हो तो बेटा ही, दुख तो बहुत है। बाबा जब तक तुमने वो पीट दिया, अब तक मैं बाकी चिंता हो रही है। जिगर बड़ा था इसलिए टकराने आ गए, जो हमें नहीं जानता उन्हें अब पता चलेगा कि जंगल में शेर पुराने आ गए। अब खेत कार का भैया काम चल रहे हो, 50 गाँव में खेत कार के जैसा भी हम, वो बहुत सहारा लगावे, बहुत मदद लगावे हो। पगला गया? पगला नहीं है, कहा कह रहा हो बेटा, कहा बोल रहा हो तू?
राम राम जी दोस्तों दोस्तों कैसा लगा आपको ये एपिसोड? अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और हम दोनों को कमेंट करके जरूर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। लव यू ऑल। धन्यवाद। राम राम जी।